ये है भाई Realme C53 जो कि भाई बिल्कुल iPhone जैसा दिखता है, वो भी 10,000 रुपए में। हाँ भाई बिल्कुल आपने सही सुना है, 10,000 रुपए में Realme ने बहुत ही ज्यादा क्रेजी दिखने वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और हमारे पास आ चुका था, हमने थोड़े दिन यूज कर लिया है। अब आपको बताने जा रहे हैं असली कैसा माल है इसके अंदर। वैसे अगर बात करें भाई बॉक्स के माल की तो वो बता दो, तो इसके अंदर आपको ना चार्जर देखने को मिल जाता है भाई, ऑब्वियसली क्योंकि आजकल ना चार्जर भी नहीं मिल रहा है, तो रियलमी ने हमारे को यहाँ पे चार्जर दे दिया है और टाइप सी सपोर्टेड केबल मिल जाती है। साथ ही में इसके अंदर जो चार्जर है वो है 18 वॉट्स का, जैसे आप देख सकते हो ये 18 वॉट्स का रियलमी का फर्स्ट चार्जर मिल रहा है। एंड साथ ही में हमारे को फोन के साथ कवर देखने को मिल जाता है, जो कवर है ये भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे ना आईफोन जैसी शेप वाला कटआउट वाला मिल रहा है, तो मतलब बिल्कुल भाई आईफोन वाला फील आएगा आपको 10,000 रुपए के अंदर। एंड अगर भाई इस वाले कवर को अगर हम पहनाए, क्योंकि ना थोड़ा ब्लैकिश टोन के अंदर है ना, थोड़ा स्मोक टोन होती है जो इसे कहते हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हो भाई यार सच में आईफोन लग रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई डेफिनेटली सच में आईफोन लग रहा है। सो गाइस ये मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स है और ये 10,000 रुपए का रियलमी C53 है। अरे भाई साहब क्या ही तगड़ा फोन लग रहा है भाई ये। मैंने एक चीज नोटिस करी, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ बाहर जाके ना, तो उनको मैंने देखा कि उनके अंदर ना एक एक्साइटमेंट रहती है आईफोन के डिजाइन को लेकर, सबको पसंद आता है वो, पता नहीं क्यों आता है लेकिन आता है, मुझे पता है शौक है बचपन से। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये Realme 53 बहुत ही एक अलग से डिजाइन दे रहा है। यहाँ पे नीचे साइड में आपको पूरा ना एक मैटी वाला फील आ रहा है, अनुपिक साइड में यहाँ पे पूरा मिरर फिनिश है, आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी फिनिश है। 3 कैमरा रिंग वाला सेटअप मिल रहा है और इस डिजाइन का भाई Realme ने नाम भी रखा है जो कि है शाइनी चैंपियन, और ये जो कलर है हमारे पास ये है चैंपियन गोल्ड। वाह मजे आ गया, पूरा चैंपियन चैंपियन। तो डेफिनेटली फोन दिखने में तो काफी इंटरेस्टिंग है, बट यार देखो ये डिजाइन की ही बात नहीं होगी, और भी चीजें हैं जो बताता हूं मैं फोन के अंदर क्या अलग लगी मुझे। सबसे पहले बात करते हैं भाई सामने की तरफ में, आपको इधर 6.74 इंच की एक डिस्प्ले देखने मिलती है जो कि भाई HD रेजोल्यूशन ही सपोर्ट करती है, यहाँ पे कोई भी आपको फुल HD नहीं मिलती है ये। और ये जो डिस्प्ले मेरे को ठीक ही लगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये भाई 90Hz की डिस्प्ले है, तो आपको ना थोड़ा स्मूथनेस जो चाहिए होती है ना हमें, वो डेफिनेटली इसमें मिलेगी। और देखो यार 60Hz से जब 90Hz पे जंप करते हो ना आपको भाई फर्क लगेगा, वो जो एक्स्ट्रा 30Hz का जो होती है ना वो अलग से स्मूथनेस आपको देता है और लगता है। एंड इवन ये फोन के अंदर मुझे फील हुई, तो मैं इसलिए बोलूंगा भाई रियलमी ने काम तो सही करा है। वैसे इस बजट के अंदर हमारे को 1080p डिस्प्ले वाले फोन भी मिल जाते हैं, बट अब रियलमी जो दे रहा है हम उसी के बारे में बात करेंगे ना। ये जो डिस्प्ले है ये 560 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी देती है। वैसे ये यूजुअली अगर आप देखोगे 10,000 के सेगमेंट में आपको यही वाली डिस्प्ले ब्राइटनेस मिलेगी, और लाइक मैं देखूं अभी इंडोर के अंदर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 560 nits काफी सही होता है इंडोर, और अगर आउटडोर आप लेके जाओगे तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपको हल्की सी दिक्कत हो सकती है। और साथ ही मैंने एक चीज नोटिस करी, यूट्यूब के अंदर ये जो फोन है 1080p 60fps तक वीडियो प्ले कर सकता है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि 720p डिस्प्ले होने के बावजूद कभी कभार ना फोन 720p भी लॉक हो जाते हैं, बट ठीक है यहाँ पे प्रोसेसर इतना कैपेबल है कि वीडियोस चल पा रही है 1080p 60 के अंदर, एंड वीडियो दिख भी सही रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस फोन में हमारे को सिर्फ एक ही सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि है बॉटम फायरिंग। अब स्पीकर की क्लैरिटी अगर आप लोगों को देखोगे तो उतनी ज्यादा नहीं है, अगर आप सुनोगे मतलब देखोगे तो क्या ही, और साथ ही में जो लाउडनेस है वो तो है लेकिन क्लैरिटी जो होती है ना अपर में आपकी जो हायर फ्रीक्वेंसीज के अंदर होती है वो नहीं है, 10,000 के हिसाब से ठीक है मतलब। साथ ही फोन के अंदर हमारे को भाई फेस अनलॉक देखने को मिल रहा है, और साथ ही हमारे को साइड में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है इसके पावर बटन के अंदर, जो कि हम लोग अभी सेटअप कर लेते हैं आप लोगों के सामने ही ताकि पता चल जाए स्पीड कैसी है। हमने सेटअप कर लिया फिंगरप्रिंट सेंसर, आप खोल के देखते हैं एक बार, तो स्पीड भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा फास्ट है। एंड डेफिनेटली एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ना इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलते हैं, जल्दी से कोई ब्रांड नहीं देता है इतनी सारी चीजों के साथ, तो ये चीज दी है अच्छा लगा मुझे। देखो यार हर चीज ना अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं, रियलमी के अंदर भी अभी मेरे को लगता है कौन से है जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, और ये मेजर कौन से है ये भी लोगों को नहीं पसंद आते मैं बताऊंगा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज कि आप लोग बोलोगे भाई पेड़ है ऐसा कुछ नहीं है भाई, जस्ट मेरे को कंपनी ने रिव्यू नहीं भेजा, मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ फोन एज इन माय एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब आती है बात परफॉर्मेंस की, भाई फोन के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसके अंदर यूज करा गया यूनिसॉक्स का T612 प्रोसेसर जो कि हमारे को Geekbench में इतने स्कोर्स दे रहा है और Antutu में कुछ इतने स्कोर्स दे रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेसर है, बजट प्रोसेसर है, तो हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, आप लोग नॉर्मल टास्क कर सकते हो इसके फोन के अंदर, बट ऐसे मत सोचना कि भाई फोन बहुत ज्यादा फास्ट लगेगा आपको, ऐसा नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लग सकता है कि हाँ भाई फोन आपको स्लो है। अब फोन की जो अभी मैंने प्रोसेसर की बात की, एक बार आपको स्पीड टेस्ट भी आपके सामने करके दिखाता हूं, अभी ना बैकग्राउंड के अंदर कुछ चीजें इंस्टॉल हो रही है, एंड साथ ही अगर आप लोग मान लो इस फोन को यूज करते हो तो अगर आपको फोन डायलॉग होना तो इतना टाइम लेता है, जैसे मैसेजेस खोल रहे हैं क्रोम खोल रहे हैं तो इतना टाइम लेगा, एंड साथ ही में फोटोज खोल रहे हैं तो कुछ इतना टाइम लेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एंड साथ ही में अगर हम लोग कैमरा खोल रहे हैं कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं तो ये तो मुझे फास्ट लगा, फाइल मैनेजर अगर हम लोग खोल रहे हैं थोड़ा यहाँ पे टाइम लिया से हल्का सा, क्योंकि पहली बार बाहर एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लेती है, अमेज़न खोल के देखते हैं एक बार, तो ये अमेज़न के अंदर कुछ इतना टाइम ले रहा है, तो मतलब थोड़ा है आपको हल्का फुल्का लगेगा कि फोन थोड़ा सा और फास्ट हो सकता था, बट ठीक है प्ले स्टोर आपने देखा कि जल्दी लोड हो गया, एंड हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जिटर मिल रहा है, बट ठीक है ओवरऑल। बट जो मेजर टास्क होते हैं अगर आपको गेम खेलनी है, अगर आपको भाई ऐसे कुछ चीजें करनी है, तो ये फोन वो ज्यादा अच्छे से नहीं करवा पाएगा, नॉर्मल गेम आप कर पाओगे इस पे। और ये जो परफॉर्मेंस वाली चीज है, इस चीज को आप लोगों ने अपने ध्यान में ऐसे रखना, मद्देनजर रखना कि ये फोन कितने रुपए का है, 10,000 रुपए के हिसाब से ये फोन आपको ऐसे ही मिलेगा, और जितने भी फोन है वो इसी तरीके के मिलते हैं। साथ ही में फोन के अंदर ना काफी वियर्ड चीज है, वो बताता हूँ क्या है। एक चीज और इसमें जो हमारे को रैम मिलती है
है LPDDR4X, साथ ही में eMMC 5.1 वाली स्टोरेज लगाई गई है जो कि एक नॉर्मल बजट वाली है। अभी जो मैं बोल रहा था भाई, इस फोन के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वियर्ड चीज है, पता है क्या? इस फोन के अंदर दो वेरिएंट देखने मिलते हैं, 4GB रैम वाला और 6GB रैम वाला। 4GB रैम वाले के अंदर 128GB का ऑप्शन मिला और 6GB रैम वाले के अंदर 64GB का ऑप्शन मिल रहा है। ये काफी कंफ्यूजिंग सा लगा मुझे, क्योंकि 4 और 128 और 6 और 64GB, मतलब एक बहुत वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है। एंड ये सेम चीज मैंने वेबसाइट पे जब चेक करी तो भाई ये बहुत ज्यादा सही साबित हुआ। जैसे आप देख सकते हो 6GB 64GB एंड 4GB 128GB, मतलब बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं चाहिए था कि 4GB 64GB और 6GB 128GB, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट पता नहीं मुझे यार ऐसा क्यों करा गया, बट ये चीज है। और साथ ही में आपको फोन भी महंगा पड़ेगा अगर आप लोग 6GB 64GB वाला लोगे तो। और बाकी थोड़े मोटे और ऑप्शन तो है, जैसे कि आप लोग रैम प्लस से एक्सटेंड कर सकते हो अपनी रैम को चाहो तो 12GB तक, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है सब चीज। सो भाई बाहर आ चुके थे इसके कैमरा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 108 MP का मेजर सेंसर और साथ ही में इसमें है ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेंस। अब वो तो पता नहीं कैसा है, लेकिन जो 108 MP वाला सेंसर है उससे टेस्ट करते हैं फोटोज कैसी आती है। सो ये एक अभी नॉर्मल शॉट है, और भाई देखो 10,000 से नीचे का फोन है तो उस हिसाब से ही जज करना है इस फोन को कि कैसी फोटोज आएंगी। ये नॉर्मल मैं 2-4 फोटोज यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड ये अभी HDR ऑटो के अंदर सारी फोटोज क्लिक हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी कुछ कितनी आ रही है। एंड एक ना थोड़ी छाया के अंदर खींच लेता हूँ, इससे ना डायनेमिक रेंज का पता चल पाएगा कि फोन कितनी अच्छी डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है। तो आप लोग देख सकते हो काफी डिफरेंट टाइप की फोटोज आ रही है, मतलब आपको जो 10,000 से नीचे के फोन से मिलनी चाहिए ना उसी तरीके की फोटो, कुछ अलग नहीं है। बट जो यार क्लोजअप शॉट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं फोन के अंदर। आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड ब्लर है नेचुरल लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब सो जैसे कि हमने देखा यार, मैंने इस फोन को 2-3 दिन आराम से यूज करा, काफी सारी चीजें हमारे को इस फोन के बारे में डेफिनेटली पता तो चल ही गई हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, फोन के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ना और एड ऑन करी है, जैसे कि इसके अंदर आपको मिनी कैप्सूल मिलता है, मतलब कि अगर आप लोग चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ पे पूरा ना कैप्सूल में चेंज जाता करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ तो ये ना आईफोन की तरह डायनेमिक आइलैंड आती है ना, उसकी तरह से कुछ बिहेव करेगा, बट काफी ज्यादा अजीब लगता है। ठीक है, मतलब यूजेबल है, थोड़ा डिफरेंट लगाया है, आपको मजा आएगा, तो ये चीज आपको इधर मिल जाती है। डेफिनेटली भाई ये फोन ना मेरे को अच्छा लगा। आपका 10,000 का बजट है, अगर आपको कुछ इस तरीके का फोन चाहिए, थोड़ा डिस्प्ले डिजाइन अच्छा हो, कुछ ये स्पेसिफिकेशन हो, तो आप लोग देख सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज मैं बोलूंगा ये फोन नॉर्मली है, जैसे बढ़िया नहीं है। कैमरा जो हम देखा नॉर्मली है, डिसेंट ही है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है। 10,000 के हिसाब से अगर मैं जज करूँ तो ठीक है फोन, मतलब क्योंकि 10,000 के अंदर आपको जल्दी से अच्छी चीजें नहीं मिलती है। और साथ ही में जब भाई रियलमी आपको पूरी 5000mAh का बैटरा दे रहा है तो दिक्कत क्या ही होगी, मतलब फोन आराम से आपका पूरा दिन बढ़िया चलेगा और साथ साथ अगले दिन भी आराम से चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फोन के अंदर इतनी पावर हंग्री वाली चीजें नहीं है। तो मेरे को डेफिनेटली Realme C53 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन लगा, और भाई हमारे को रियलमी ने इनवाइट भिजवाया था बस, और कुछ नहीं है भाई, कुछ पेड़ वेड ऐसा नहीं है, आप लोग बोलने लग जाते हो। तो एक डिसेंट फोन लगा मुझे 10,000 रुपए के अंदर। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। डिजाइन लेकिन बहुत अच्छा है इसका, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा बढ़िया लगा, बट आप लोग बताना आपको कैसा लगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।